नीरस निशा गई, भव्य भोर हो गया, चंद्रमा की चमक गई, चंचल चकोर सो गया, स्वर्णिम सुहाना सूर्य सत्कार कीजिए, नेह नम्रता से भरा मेरा नमस्कार लीजिए। नमस्कार माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षक गण और मेरे प्यारे साथियों, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1949 में हुई थी। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह जनमानस की भाषा है, यह सभी को जोड़ने वाली भाषा है, मेरी पहचान है। हाँ, मेरी पहचान है, मैं हिंदी हूँ। मैं सूरदास की दृष्टि बनी, तुलसी ही चिन्मय सृष्टि बनी। मैं मीरा के पद की मिठास, रसखान के नैनों की उजास। हरिवंश की हूँ मैं मधुशाला, ब्रज अवधि मगही की हाला। अज्ञेय मेरे है भग्न दूत, नागार्जुन की हो युग धारा। मैं आन बान और शान बनूं, मैं राष्ट्र का गौरव मान बनूं। मैं तुम सबकी पहचान बनूं, मैं तुम सबकी पहचान बनूं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हिंदी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पर कहते हैं ना, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना से होती है। हर मनुष्य के जीवन में ईश्वर रूपी गुरु ही है जो उसका मार्ग प्रशस्त करता है। तो चलिए ईश्वर की प्रार्थना नृत्य के रूप में प्रस्तुत है। भक्ति भाव से ओतप्रोत भक्ति नृत्य से मंत्रिप्त हो गया। हिंदी साहित्य हर युग में अपनी पहचान अलग अलग रूपों में दर्शाता रहा है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तभी तो सगुण व निर्गुण भक्ति की धारा ऐसी प्रवाहित हुई कि भक्ति की शक्ति में भुराव का अंत होने लगा। आज जिस संकट काल से हम गुजर रहे हैं, हमें भी अपने कदम भक्ति की ओर अग्रसर करना है। तो बढ़ते हैं भक्ति काल के कवियों की ओर। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे,
सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरा तो दुख काहे को होए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। ऐसी रागीर गन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। महलों में पड़ी बन के जो गन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी रागीर गन राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। लाखों दुख सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी रागी लगन कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी रागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी रागी लगन नीति पर वो ईश्वर भक्ति दोहन है, गागर में सागर भर, जनमानस में नैतिकता व चरित्र निर्माण की नींव खड़ी की। हाँ केविन, चरित्र निर्माण होता है जानते हैं कब? जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है, जिसके नियत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता गुलाब है। इसी महकते गुलाब को भक्ति मार्ग में समर्पित करने जा रहे हैं हमारे विद्यार्थी कवि सम्मेलन के रूप में। कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। कहते हैं भक्ति के अनेक रूप है, ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति, अभिभावक भक्ति और देशभक्ति। और हाँ, देशभक्ति सर्वोपरि है, एकता और अखंडता से महकती है। मेरे देश की माटी पवित्र है क्योंकि क्योंकि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां माँ प्यारी है, जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, इसके सैनिक समर भूमि में गाया करती गीता है, जहां खेत में हल्के नीचे खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हाँ, कण कण में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर भक्ति कहती है कि सच्चे मार्ग पर चले सदा प्रभु, ऐसा दो हमें ज्ञान, न भटके कहीं मन ये मेरा, बस लगा रहे आप में ध्यान, जब भी पड़े मुसीबत हम धैर्य कभी न खोए, अपने जीवन में ऐसे कर्म करे कि बना रहे सम्मान, सच्चे मार्ग पर चले सदा प्रभु, ऐसा दो हमें ज्ञान, करे बड़ों का आदर मिले उनका आशीर्वाद, कृपा आपकी बनी रहे जग सदा रहे आबाद, दिल में दया और प्रेम बसे बने हम ऐसे इंसान, सच्चे मार्ग पर चले सदा प्रभु, ऐसा दो हमें ज्ञान, धन्यवाद। पर ईश्वर तक पहुंचाने वाला गुरु का स्थान सबसे
सबसे ऊंचा है, तभी तो कहते हैं शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है। गीता में उपदेशित माँ फलेशु वाला कर्म है। शिक्षक एक प्रवाह है, मंजिल नहीं राह है। वो डालता है चांद सितारों तक को तुम्हारी झोली में, वो बोलता है बिल्कुल तुम्हारी बोली में। वो कभी मित्र कभी माँ तो कभी पिता का हाथ है, साथ न रहते हुए भी ताउम्र का साथ है। शिक्षक कबीर के गोविंद सा बहुत ऊंचा है, कहो भला कौन उस तक पहुंचा है। वो चाणक्य सांदीपनी तो कभी विश्वामित्र है, गुरु और शिष्य की प्रवाही परंपरा का चित्र है। वो रोज छोटे छोटे सपनों से मिलता है, मानो उनके बहाने वो स्वयं खिलता है। वो राष्ट्रपति होकर भी पहले शिक्षक होने का गौरव है। वो पुष्प का भाई सौंदर्य नहीं, कभी न मिटने वाली सौरभ है। लेकिन यकीन मानो, जब वो अपनी भूमिका में होता है तब जमीन का होकर भी वह आसमान सा होता है, वह आसमान सा होता है। जमीन आसमान माता पिता, जी हाँ, माता पिता से मिलते हैं जीवन के अनुभव का ज्ञान, इसलिए तो कहते हैं भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। पकार गणित है कभी इस बात को भूलो नहीं, कितने लड़ाए लाड सब अरमान भी पूरे किए। पूरे करो अरमान उनके बात यह बदलो नहीं, लाखों कमाते हो भले माँ बाप से ज्यादा नहीं। सेवा बिना सब खाक है मन में कभी भूलो नहीं, संतान की सेवा मिले संतान बन सेवा करो, जैसा करे वैसा भले सत्य को भूलो नहीं। धन तो बहुत मिल जाएगा माँ बाप क्या मिल पाएंगे, उनके चरण की धूल लेना तुम कभी भूलो नहीं, उनके चरण की धूल लेना तुम कभी भूलो नहीं। सचमुच भक्ति ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी और मैं ज्ञान की धारा में बहता चला गया। नफरत का भाव जो जो खोता चला गया, मैं रफ्ता रफ्ता आदमी होता चला गया। फिर हो गया प्यार की गंगा से दर बदर, गुजरा जिगर से सबको भिगोता चला गया। सोचा हमेशा मुझसे किसी का बुरा न हो, नेकी हुई तो दरिया में डुबोता चला गया। कटुता की सुई लेके खड़े थे जो मेरी नींद, सद्भावना के फूल पिरोता चला गया। जितना सुना था उतना जमाना बुरा नहीं, विश्वास अपने आप पर होता चला गया। अपने से ही बनती है बिगड़ती है ये दुनिया, मैं अपने मन के मैल को धोता चला गया, मैं अपने मन के मैल को धोता चला गया। धन्यवाद। वाह वाह क्या कविताएं हैं, महान कवियों की कविताएं हमें हमेशा प्रेरणा देती आई है। तो चलिए इनसे प्रेरणा लेते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप कहे और वो समझे यह भाषा है, आप कहे और वो ना समझे यह दुख है, और आपके कहे बिना ही वो समझ जाए यही खुशी है। तो चलिए अपने खुशी साझा करने आ रही है पलक खांडेकर। खुशी की बात है कि हिंदी भाषा के कई रोचक तथ्य है। हिन्न देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। जी हाँ, भारत की खासियत है अनेकता में एकता, और भाषा की अनेकता हमारी विशेषता है, जिसके बावजूद हम मजबूती से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अपनी मातृभाषा से जुड़े इन अनजाने सत्य को जानकर आप जरूर करेंगे इस देश में पैदा होने पर गर्व। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। देश के 77% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। हिंदी की पहली कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी। आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका US के 45 विश्वविद्यालय सहित पूरी दुनिया के लगभग 174 विद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई जारी है। हिंदी भारत की उन 7 भाषाओं में से एक भाषा है जिसका इस्तेमाल सब एड्रेसेस URLs बनाने के लिए किया जाता है। आप सभी को कार्यक्रम धैर्य पूर्वक सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हिंदी दिवस के कार्यक्रम को विराम देती हूँ। धन्यवाद।